हिंदुस्तान की फौज एक हिंदुस्तान की संस्कृति, एक हिंदुस्तान का जो हमारा इतिहास है उस मुताबिक चलती है। और हमारे प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचाने की, कभी सरकारों को गिराने की कोशिश नहीं करती। सरकार कोई बने, हमें वोट का फिक्र नहीं, प्रथम राष्ट्र सीमाओं की रक्षा। पिटा सर, आपका यहाँ पर जो कुछ कहा गया AQIS द्वारा, इंडियन स्टेट पूरे तरीके से कामयाब रही है मिलिटेंसी को, टेररिज्म को कहना चाहिए, खत्म करने में। पहले तो त्यागी जी, मैं इनको कहना चाहूंगा, ये जो पैनलिस्ट बैठे हैं पाकिस्तान से, ISI की हमेशा फेवर करते मैं देखता हूं, इस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता। इस मुल्क की सरहद की निगेगार है आखिर हमारा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हम सोते हैं, सारी रात सेना के साथ जा करके अपनी सीमाओं की रक्षा करता है। और दूसरी बात इनको बता दूं, जो भी इन्होंने कहा आप इलेक्शन का मुद्दा ढूंढते हैं, हमारे इलेक्शन का मुद्दा नहीं है। पूछना चाहता हूं, जब 40 जवानों को पुलवामा में आपने शहीद किया था, उस वक्त इलेक्शन थी, उस वक्त आप लोगों ने हमला किया था, आतंकवादी पकड़े गए, आतंकवादी मारे गए, और 15 मिनट के अंदर आपके बालाकोट के अंदर जाकर के हमारे सैनिकों ने 15 जिंदा शहीद की तरह वापस आए, एक जरूर उधर रुका और आपके कैंपों को तबाह करके आतंकवादियों को 300-400 के करीब उनको छाननी छाननी करके सवा करके आ गए। अगर दो प्लेन भी हमारे गिर जाते तो कोई सरकारों की बात नहीं थी, पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोच लिया, सरकार कोई बने, हमें वोट का फिक्र नहीं, प्रथम राष्ट्र सीमाओं की रक्षा। और हमने इलेक्शन जीती या नहीं जीती, जीती, और उसके बाद 370 धारा हटा के आपको बताइए MS बिट्टा जी, और उसके बाद अमजद अय्यूब मिर्जा। बार बार ये लोग भारतीय फौज के ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर गलत बात कर रहे हैं और अपनी फौज की ये तारीफ कर रहे हैं। इनको पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान ने बार बार शांति का संदेश देने के लिए हमेशा कोशिश की। अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे पाकिस्तान के अंदर, अटल बिहारी वाजपेयी जी उस वक्त पाकिस्तान में थे, शांति का संदेश लेके गए थे। आपने शिमला के ऊपर कुल्लू के पास 11 के करीब बेगुनाहों का, हिंदू भाइयों का कत्लेआम कर दिया। उसके बाद पिछली बार भी कहा, हमेशा कहता हूं, नरेंद्र मोदी जी गए थे पाकिस्तान नवाज शरीफ के पास, हिंदुस्तान के लोगों को नाराज करके गए थे, शांति का संदेश लेके गए थे, क्या किया आपने? एक महीने के बाद आपने दीनानगर पठानकोट की घटना शुरू कर दी। ये आपकी पाकिस्तान की ISI की फौज है जो ये गलत काम करती है। हिंदुस्तान ने कभी ऐसा किया हो बताइए? आप हिंदुस्तान के फौजियों को उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके दिवाली के दिनों में हिंदुस्तान में भेज देते हैं। क्या हमने आपके जवानों ने, हमारे फौज के जवानों ने कि कभी आपके साथ ऐसा बर्ताव किया? हां, आपके आतंकवादी भेजे हुए गुर्गों को हम मारते हैं, उनको ठोकते हैं, पर हम उसका ऐसा सलूक नहीं करते। यह हिंदुस्तान की फौज है, जैसे सीना साहब ने बोला, हिंदुस्तान की फौज, हिंदुस्तान की फौज एक हिंदुस्तान की संस्कृति, एक हिंदुस्तान का जो हमारा इतिहास है उस मुताबिक चलती है। और हमारे प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचाने की, कभी सरकारों को गिराने की कोशिश नहीं करती। आपकी फौज, आपकी ISI बेनजीर भुट्टो का कत्लेआम करती है, जुल्फकार अली भुट्टो को मारती है, आपके जो राष्ट्रपति होते उनके ऊपर हमला करती है। ये आपकी फौज का काम है, हमारी फौज का काम ऐसा नहीं है। हमारा हिंदुस्तान जनाब लोकतंत्र है, आप तो वहां के पाकिस्तान के अंदर आपको बोलने की हिम्मत ही नहीं है कि आप इन शक्तियों के खिलाफ बोल दो। हमारे अंदर स्वतंत्रता है, गलत है तो गलत कहने की हिम्मत करते हैं। क्या बात करते हैं आप तारिक फतेह साहब की? तारिक फतेह साहब फतेह हैं, फतेह थे और फतेह रहेंगे। वो तारिक फतेह है जो मानवता की लड़ाई लड़ता है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान। अरे तारिक फतेह साहब मानवता की बात करते हैं। तारिक फतेह साहब किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, आपके छताए हुए हैं, आपकी करतूतों को तारिक फतेह साहब बताते हैं, जो हम नहीं बता सकते वो तारिक फतेह साहब बताते हैं। आपको तारिक फतेह साहब अच्छे नहीं लगते तो वो अलग बात है, और तारिक फतेह साहब की हर हर बात आपको तकलीफ देती है, क्योंकि तारिक फतेह साहब एक एक बात को सच्चाई से आपके खिलाफ पेश करते हैं।